ओम शांति। आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी इंदिरा दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी जी का हम स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। आप महाराष्ट्र गोंदिया से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री ली है और इसके साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में भी आपने एमएससी की डिग्री ली है, तो डबल लौकिक में भी एमएससी और अलौकिकता में भी एमएससी की डिग्री ली है। 1987 में आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और 1998 में आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। आरंभ के 5 वर्ष तक आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाले स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर में अपनी अमूल्य सेवाएं दी। 2000 में आपने ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित मनोबल एवं मनसा सेवा किताब लिखी, जिसका विमोचन स्वयं अव्यक्त बाप दादा द्वारा कराया गया था। उसके बाद कुछ वर्षों तक आप नागपुर एवं मुंबई गामदेवी में रहकर ईश्वरीय सेवाओं का अनुभव किया। 2009 आपके जीवन का वो स्वर्णिम अवसर रहा जब आप मधुबन आए और 14 वर्षों से यहाँ रहते आप ग्लोबल ऑफिस में स्थायी रूप से सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ देश विदेश से आने वाले विजिटर्स, डबल फॉरेनर्स, बी के भाई बहनें की सेवाओं में आप सदा उपस्थित रहते हैं। साथ साथ उनके लिए आयोजित होने वाले प्रोग्राम्स का आप कुशल संचालन करते हैं। आप कुशल राजयोगा शिक्षिका हैं। हेडक्वार्टर के तीनों परिसरों में चलने वाले शिविरों में आप सेशंस लेते हैं। इसके साथ आप भट्टियों में भी अनेक विषयों पर क्लासेस भी कराते हैं। आपकी विशेषता है कि आप मूल्यों का गहन चिंतन करके ज्ञान मोती निकालते हैं ताकि सभी ब्राह्मण परिवार उसे गहराई से समझकर अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो आज का विषय है सुधामा के चावल, तो इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय इंदिरा दीदी जी। ओम शांति। तो आज का टॉपिक है सुधामा के चावल और इस टॉपिक की प्रेरणा आज का स्लोगन और कल का वरदान। तो पहले स्लोगन और वरदान को देख लेते हैं। क्या था आज का स्लोगन? सदा संतुष्ट है जो, और जो सदा खुश रहने वाले हैं वे क्या हैं? खुश नसीब हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं। ये है आज का स्लोगन। और कल का वरदान क्या था? वरदान क्या था कल का? स्व इच्छा व दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम पाने वाले चतुर सुजान भव। और इसके विस्तार में बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर पदम गुणा प्राप्त कर लेते। कौन से बच्चे? जो चतुर सुजान होते हैं। तो एक का पदम गुणा कैसे प्राप्त करते हैं? तो कहा कि देते हैं सूखे चावल और रिटर्न में क्या प्राप्त करते हैं? तो कहा सर्वशक्तियाँ, सर्व खजाने और 36 प्रकार की वैरायटी, सब कुछ प्राप्त कर लेते। तो ये हुआ एक देकर पदम। लेकिन फिर उसमें थोड़ा
अंडरलाइन भी कराया और एग्जाम्पल दिया कि कई बच्चे सुदामा के मिसल कच्छ में बगल में छिपाकर रखते हैं और बाप छीन सकते हैं, परंतु बाबा अगर छीनने के बाद जो रिटर्न देंगे और आप खुद जो देंगे और उसमें जो रिटर्न मिलेगा उसमें अंतर पड़ जाएगा। और इसलिए क्या करो, स्व इच्छा से दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम पाना, यही वास्तव में चतुराई है। और इसी देने में क्या है, कल्याण समाया हुआ है। और यहीं से प्रेरणा मिली कि क्या है वो कहानी सुदामा के चावल कि जिससे एक एक देकर पदम गुणा प्राप्त कर सकते हैं हम। तो हमने सोचा इसी पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, क्योंकि सुदामा भी एक ब्राह्मण ही था। और शास्त्रों में जो कहानी आती है, शास्त्र माना पुराणों में, और पुराण माना पुराण इतिहास नहीं होते हैं। पुराण और इतिहास में क्या अंतर है? स्कूलों में हम पढ़ते हैं उसको इतिहास बोलते हैं, और इधर हम पुराण पढ़ते हैं धर्म क्षेत्र में। अंतर क्या है इसमें, पुराण में और इतिहास में क्या अंतर है? इतिहास माना वो घटनाएं घटी थी और एज इट इज आपको बताया जा रहा है, और पुराण माना माइथोलॉजी, और वो तो अंग्रेजी शब्द हुआ उसका खुलासा, माना वो हाँ दंत कथा की कथा निर्माण करके अध्यात्म की जो सूक्ष्म बातें हैं वो समझाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखो, आत्मा दिखती नहीं है, परमात्मा भी नहीं दिखते हैं, आत्मा का मन बुद्धि संस्कार भी नहीं दिखता है। जिस प्रकार से कान आँख नाक दिखते वो दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। तो सूक्ष्म चीज़ें कैसे चल रही है हमारे भीतर में, उसको कैसे बताया जाए? तो एक कहानी तैयार कर दी जाती है और उस कहानी के माध्यम से जीवन के सत्यों को, जीवन के गुह्य बातों को, सूक्ष्म बातों को समझाने का प्रयास किया जाता है कि जिस कहानी को याद करके आप भी जीवन में तीव्र पुरुषार्थ के राह पर आगे बढ़ सको। तो कहानी के अगर आप जाएंगे तो डिफरेंट वर्शंस मिलते हैं, अलग अलग तरीके से लोग इस कहानी को सुनाते हैं। जैसे उसमें सुदामा के चावल की बात है तो कोई कहानी में आएगा तीन मुट्ठी चावल, कोई में आएगा चार मुट्ठी चावल, कोई में आएगा उसके दो बच्चे थे, कोई में आएगा उसके चार बच्चे थे। पर कहानी उसका सार तो एक जैसा ही होता है। अब कहानी एक व्यक्ति गढ़े दूसरा व्यक्ति गढ़े, थोड़ा थोड़ा तो फर्क आता है ना, लेकिन सार निकलना चाहिए उसका। और कहानी ऐसी कहती है कि सांदीपनी मुनि के आश्रम में श्री कृष्ण और बलराम भी पढ़ने गए और सुदामा भी पढ़ने गए, अर्थात ये बचपन के सहपाठी हैं, मित्रता है इनकी। अभी अभी हमने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया और ये जो कहानी है ये मित्रता के बंधन की कहानी है। वैसे तो सभी बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना रक्षाबंधन के दिन कि रक्षा का बंधन सभी को प्रिय है, बाकी बंधन नहीं प्रिय है। ऐसे ही मित्रता का बंधन भी सबको प्रिय है ना, क्योंकि मित्र एक ऐसी हस्ती है कि बाकी सारी बातें किसी किसी एक एक संबंध में शेयर कर सकते हैं, लेकिन मित्रता के संबंध में जो आया दिल खोल के उसके सामने रख देते हैं। तो श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी मित्रता के संबंध की कहो, बंधन की कहो,
बहुत ब्यूटीफुल कहानी है। ये बचपन के सहपाठी हैं और विद्या अध्ययन होने के बाद दोनों वापस अपने अपने घर की ओर चल पड़े, माना दोनों की दिशाएं अलग हो गई। और ये श्री कृष्ण तो द्वारकाधीश बन गए, शादी आदि कर ली, 16,108 रानियाँ मिल गई, माना कहानी के अनुसार। और इधर ये ब्राह्मण, इसने भी घर बसाया, लेकिन ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों को क्या करना होता है, डायरेक्ट धन नहीं कमाना होता है, उनका रोजी रोटी का साधन क्या होता है, ज्ञान दान कर करके कमाई करना, जीवन की जीविका का उपार्जन ज्ञान धन के आधार से। कि जैसे ट्रांसपोर्ट वाले भी होते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं हमें, या फिर रास्ता दिखा देते हैं कि भाई आपको यहाँ जाना है तो पहले ये वाली बुकिंग करना, फिर ये करना, फिर ये करना, दिशा दे देते हैं। ऐसे ही हम ब्राह्मण भी क्या करते, माना ब्राह्मणों का धंधा क्या होता है, जीवन की दिशा दिखाते। तो वो ट्रांसपोर्ट वाले भी सिर्फ दिशा दिखाकर यहाँ से वहाँ पहुँचाकर जब जीविका और उपार्जन कर लेते हैं, तो ये ब्राह्मण भी क्यों नहीं कर सकते। और हो जाता है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह ही तो दिखाते हैं ना ब्राह्मण, तो उससे उसकी कमाई होती थी, पर इतनी नहीं होती थी कि जो जीवन की ज़रूरतें हैं उनसे पूरी हो जाए। खुद को भी कई कई बार भूखा रहना पड़ता था, पत्नी को भी, बच्चों को भी। पत्नी और पति सोचते थे हम बड़े हैं, चलो हमारी एक और एकादशी बढ़ गई, एकादशी माना भूखे ही रहना है। अब बच्चे तो छोटे छोटे हैं ना, तो बच्चों पर दिल पसीज जाता है। तो कहते हैं ये ब्राह्मण जो सुदामा था, उस कहानी में ऐसे बताते हैं कि सुदामा को दरिद्र नहीं कहा गया, उसकी बहुत अच्छी महिमा की गई है कि उसका चित्त हमेशा शांत रहता था, और शांति की भी गहराई इतनी कि प्रशांत रहता था। है ना, हमारे पास एक सागर, प्रशांत महासागर कहते हैं ना, तो क्या अंतर है शांत और प्रशांत में। तो शांति के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, बहुत डीप साइलेंस वो प्रशांति हो जाती है। तो इतना उसका चित्त शांत रहता था, इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होता था, बाह्य दुनिया की ओर आकर्षण कोई नहीं था। भले जीवन में अभाव है बाह्य वस्तुओं का, लेकिन कोई चिंता से ग्रसित नहीं रहता था। लेकिन उसकी पत्नी को थोड़ी चिंता होती थी, उसको लगता था बच्चे कैसी माँ हूँ मैं, कि बच्चों को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और पत्नी का नाम क्या था, सुशीला। और कहते हैं एक बार द्वार पर एक ब्राह्मण आया, महात्मा आया, और वो मांगता है, मैं बहुत समय से भूखा हूँ, भूख तृप्ति के लिए कुछ प्रदान कीजिए। और सुशीला कहती है कि घर में सूतक लगा हुआ है, अर्थात अपवित्रता है, और अपवित्र घर का कुछ खाया नहीं जाता है ना लौकिक में। तो ब्राह्मण उसको नीचे से ऊपर तक देखता है, वो कहती है सूतक, वो पूछता काय का सूतक लगा है, कहती है घर में बच्चा हुआ है, तो सूतक तब भी लगता है। तो ब्राह्मण वो महात्मा उसको नीचे से ऊपर तक देखता है, और नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहता है ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे कि अभी अभी कोई बच्चा हुआ होगा, क्योंकि ये कंडीशन दिख जाती है ना एक माता को जब बच्चा हुआ हो, थोड़े दिन तो उसकी स्थिति में अंतर होगा या नहीं होगा। तो कहते ऐसा तो कुछ लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। तो कहती है वो बच्चे की बात नहीं है, हमारे घर में जन्म भर का, जीवन भर का सूतक लगा है,
ऐसा बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ है, कौन बच्चा है? तो बोले दरिद्रता रूपी बच्चा। तो बताते कहानी में कि सुदामा को दरिद्र नहीं बताया, लेकिन सुशीला को दरिद्र बताया। अब सवाल उठता है, दुनिया के अंदर भी अगर पति डॉक्टर है, पत्नी ने भले ही ना डिग्री नहीं ली हो, लेकिन डॉक्टर नहीं साहब तो बोलेंगे उसको, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो अगर पति दरिद्र नहीं है तो इसको दरिद्रवान कैसे बोला जा रहा है? क्यों बोला जा रहा है, एक प्रश्न ये। ठीक है, तो फिर खैर उसने तो ऐसे कहकर बात को आगे बढ़ा दी, और फिर उसने महात्मा को कहा, ब्राह्मण को कहा कि तुम्हारे जो पति देव है ना, आपको पता है उनके जो मित्र है ना, द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश आपके पति देव के मित्र हैं, और द्वारकाधीश के पास जाने के जाने से आपकी दरिद्रता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। खैर वो ब्राह्मण तो चला गया, और इसको जब से ही पता चला वो बात निकालती है पति से, क्यों जी आपके मित्र द्वारकाधीश और मुझे इतने लंबे अरसे से कभी आपने बताया नहीं, आपको कहाँ से पता चला? पता चल गया मुझे, तो फिर क्या करना है आपको? अरे आपके मित्र द्वारकाधीश है तो आप उनके पास जाते क्यों नहीं हो? आपके मित्र है, आपकी वो सहायता करेंगे, आप उनसे मांगो कुछ। कहते मैं मांगने मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, हमारी मित्रता कोई स्वार्थ वाली नहीं है, स्वार्थ वाली होती तो मैं तो कब का गया होता। हमारी मित्रता तो प्रेम के बंधन वाली मित्रता है, मैं मांगने नहीं जाने वाला हूँ। तो पत्नी कहती है कोई बात नहीं, आप मांगने नहीं जाओ, लेकिन आपके मित्र है और मैं आपके साथ इतना समय हूँ, मैंने तो नहीं देखा इतने लंबे अरसे में आप कभी मित्र के दर्शन करने गए हो, तो जाके दर्शन तो करो अपने मित्र के, दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। और इतने दिन तक वो इसलिए नहीं गया था कि अगर मैं जाऊंगा तो यही वाली बात होगी जिसने पहले बोली थी, और इसलिए वो नहीं जाता था। लेकिन अब तो पति ने ही कह दिया ठीक है मांगो मत, लेकिन दर्शन। और उसकी फिर प्रगाढ़ इच्छा हुई कि अब तो मैंने जाना है अपने मित्र के पास, और मांगना नहीं है मुझे, मर जाऊंगा पर मैं मांगूंगा नहीं, स्वाभिमानी है वो। और फिर सुदामापुरी कहाँ और द्वारकापुरी कहाँ, समय लगा है पहुंचने में, डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे आध्यात्मिक रहस्य को देखना है, क्योंकि उसमें बताते रास्ता लंबा था, सो गया, फिर योग माया से वो भगवान ने उसके लिए नौका का इंतजाम किया, खुद नौका के वो नाविक बने, उसको पहुंचाया नदी के पार द्वारका के करीब, ऐसे वैसे बहुत कहानी है, लेकिन हम उसको शॉर्ट में लेंगे कि किसी तरह वो द्वारकापुरी में पहुंचा है, पता आदि लगाकर गया है पास में, तो द्वारपालों ने रोका है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं ये हूँ जाके बताओ। और जाके द्वारपाल बताते हैं कि एक अजीब और गरीब इंसान आया है, अपने आप को आपका मित्र बताता है, शक्ल से तो आप दोनों में कोई मैचिंग नहीं लगती, मित्र होंगे ऐसे लगता नहीं है। तो श्री कृष्ण उस समय अंतःपुर में बैठे होते हैं अपनी रानियों के साथ, रुक्मणी के साथ, और जैसे ही नाम सुनते हैं कि मित्र, बचपन का मित्र, उनका नाम क्या है? द्वारपाल अभी पूरा नाम उठाया नहीं, अभी जस्ट शुरुआत किए, सो, क्योंकि एक एक शब्द ही तो निकलेगा ना, और वो जंप करके आसन से, सिंहासन से उठे, और जब तक ये सुदामा बोल के पूरा करे, वो दौड़ते दौड़ते आए
और इसको गले लगा लिया। सभी अचंभित, उधर रानियां भी अचंभित, कौन है सुदामा, इतने दिनों तक कभी कोई वर्णन नहीं हुआ है, और ये कौन है जो उसके लिए ऐसे फटाफट से उठकर, आज दिन तक इतने अतिथि आए कभी ऐसे उठ खड़े नहीं हुए, ये कौन सा ये इनका मित्र है। अंदर उनको लेके आए और अपने आसन पर बिठाया, क्यों, अतिथि के रूप में आए हैं ना आज, और कौन है अतिथि, ब्राह्मण। ब्राह्मण की पोजीशन तो राजाओं से भी बड़ी होती है, और ऊपर से मित्र भी है, वो लंगोटिया यार है उसका वो, और उसको बिठाया। उसको संकोच हो रहा है क्योंकि मैले कपड़े पहने हुए हैं और इतनी लंबी यात्रा तय की है, पैर पूरे छिल गए हैं, रक्त बह रहा है, कांटे चुभे हुए हैं, मैले मटेले हैं, कपड़े भी धूल चढ़े हुए, और इतने सुंदर साफ स्वच्छ आसन पर बैठना, थोड़ा सा संकोच हो रहा है। लेकिन कृष्ण को तो पता है मेरे मित्र है, और मित्र में ये सब बातें आड़े नहीं आती है। बिठाया उसको, रुक्मणी को, रानियों को आदेश दिया, पाद प्रक्षालन करते हैं ना, जल लेके आओ। जब तक वो जल आए आए, परात रखा हुआ है, और श्री कृष्ण ने उनके पांव उठाए हैं, और उस पांव को देखकर, उसके पूरे हुलिया को देखकर, करुणा निधान की करुणा बह गई अश्रुओं के रूप में, और उन्हीं अश्रुओं से उन पांव का पाद प्रक्षालन हो गया। और उसके बाद तो फटे पुराने कपड़े भी धुलाई के लिए दे दिए और अच्छे से वस्त्र पहना दिए, और फिर भोजन भी करवाया, और भोजन करवा के फिर अगले रात्रि को विश्राम भी किया है, खूब आपसी मित्रवत संवाद भी किया है, और फिर कृष्ण ने मित्रवत पूछा भी है, क्योंकि जब सुदामा आ रहे थे, सुशीला ने कहा, तो सुदामा कहते, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मित्र के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर, राजा के दरवाजे पर, बेटियों के दरवाजे पर कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, और वो भी इतने दिनों के बाद जाऊंगा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, और हमारे पास तो कुछ है भी नहीं जो लेके जाए। सुशीला कहती, उसकी चिंता मत करो, मैं जुगाड़ करके देती हूँ, अड़ोस पड़ोस से जैसा बना जुगाड़ करके लाई, चावल की पोटली तैयार की, वस्त्र भी नहीं था उन चावलों को बांधने के लिए। तो किसी वर्षन में आता है कि अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, और किसी स्टोरी में, मना वर्षन में आता है कि पुराना धोती का मैला कपड़ा था फटा हुआ, जिसकी चार तह करे तो भी गड्ढा आ जाता है, आठ तह करके किसी तरह से गड्ढे को छुपाया और पोटली में बांधा। तो पोटली में बांधा है, जो आज मना वरदान में बाबा ने कहा कि सुदामे के मिसल कई बच्चे कच्छ में बगल में छुपा देते हैं, नहीं देते हैं, तो वही उसने किया, क्योंकि वो देखता है इतना सारा वैभव, और उसके सामने मेरा फटी पुरानी धोती में लपेटे हुए थोड़े से चावल, शर्म आती है देने में भी। तो कच्छ में छुपाया हुआ ऐसे ऐसे कर रहा है, और वो तो पांव दबा रहे थे कृष्ण उसके। तो कृष्ण पूछते, सुदामा क्या हुआ, आप ऐसे ऐसे हाथ को बार बार क्यों कर रहे, क्योंकि एक हाथ में दबाया और दूसरा छुपना चाहिए ना। तो अभी वो भी बात बना लेता है, मतलब कहानी में ऐसा आता है कि हाथ में दर्द है, ठीक है अगर हाथ में दर्द है तो पांव छोड़ के मैं तुम्हारे पांव हाथ दबा देता हूँ, और वहाँ पे पोटली खुल गई उसकी, और जैसे, क्योंकि पूछा, भाभी ने कुछ नहीं दिया है क्या, तो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि छुपा रहा है ना। और फिर जैसे ही उसने खाया,
कहते हैं भाभी ने क्या इतने सुंदर चावल भेजे है, ऐसा स्वाद तो मुझे कभी नहीं मिला है। एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खाया और तीसरी मुट्ठी खाने पे ही था रुक्मणी ने रोका, सब कुछ आप नहीं खा लेने आए क्या, कुछ हमारे लिए भी तो छोड़ो। और ऐसे करते हुए पोटली तो खुल गई है, रात्रि को विश्राम भी किया है और अगले दिन वापसी जाने की, कुछ कहानियों में आता है 6 मास रहे, कहानी अलग अलग वर्शंस आते हैं, और किसी में आता है कि अगले ही दिन निकल पड़े स्नान आदि करके, संध्या वंदन ब्राह्मण तो था ना करके, फिर कहता है अच्छा अब चलते हैं। और कृष्ण जो उनका मित्र है, इतना जल्दी क्यों रुक जाओ ऐसा भी कुछ नहीं बोलते हैं, हाँ में हाँ कर देते हैं और देते कुछ भी नहीं है, बल्कि देने के बजाय कहते सुदामा ये वस्त्र तो तुमने यहाँ के पहने हुए हैं, ये वस्त्र यहाँ पर छोड़ के जाओ। कहानियों में आता है कि वो तो संतुष्ट था, वो तो खुशी में रहता था, इंद्रियों पे उसका नियंत्रण था, उसमें तो दरिद्रता नहीं थी, लेकिन दरिद्रता थी सुशीला में, और उसी ने कहा था जाना दर्शन करना उसमें ही कुछ मिल जाएगा। तो सोचता है कि सुशीला ने जो कहा था वो तो कुछ हुआ ही नहीं है, हाँ बल्कि वस्त्र पहना हुआ भी। और ऐसे करके, क्योंकि वो तो स्वाभिमानी था, वो तो भरपूर था, भीतर से संतुष्ट था, बस एक ख्याल सुशीला के कारण से आ गया था। और फिर तो वो चल पड़ा वापसी यात्रा में, और वापसी यात्रा उसकी शॉर्ट रही, जाते समय टाइम, आते समय बहुत कम समय में पहुंचा है। और जाके देखता है कि वो कुटिया जिसमें मैं रहता था वो तो है नहीं, वो गांव जो चारों ओर होता था वो तो है ही नहीं, सारा स्वर्गीय वैभव और स्वर्ग जैसे महल है, अब पहचान नहीं पा रहा है कि मेरा कौन सा है। लेकिन जब पत्नी वहाँ से निकली तो पहचाना ये मेरा है, और पत्नी कहती है देखो मैं तुम्हें कहती थी ना आप सिर्फ दर्शन करने मात्र जाओ, और वो तुम्हें मालामाल कर दिया ना। और इस प्रकार से कहते हैं सुदामा क्या हो गया, मुट्ठी भर चावल देने से माला माल हो गया। अब ये है कहानी। अब आते हैं इसके आध्यात्मिक रहस्य पर कि इस कहानी में सुदामा कौन है, सुशीला कौन है, चावल की पोटली क्या है और कृष्ण क्या है, इन सब को हम समझेंगे। कृष्ण का सुदामा नाम सुनकर दौड़ते आना, वस्त्र जो पहना है वो भी वापस छोड़ के जाने के लिए कहना, और मित्र के नाते कुछ भी उसको नहीं देना, इन सब के पीछे रहस्य क्या है, ये सारी कहानी हमारी है। इसलिए बताया सुदामा को ब्राह्मण, हम ब्राह्मण है ना, हम ब्राह्मण है, और क्या कहता है बाबा हमें, संतुष्ट रहना है हर हाल में, कैसे रहना है संतुष्ट रहना है हर हाल में, क्या करना है, क्यों किस बेस में हम हर हाल में खुश रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी सुदामा प्रतीक है आत्मा का, कृष्ण प्रतीक है परमात्मा का। आज की मुरली में आया था श्री कृष्ण कोई परमात्मा थोड़ी है ना, परमात्मा के प्रतीक के रूप में माना गया है, तो श्री कृष्ण प्रतीक है परमात्मा का, सुदामा प्रतीक है आत्मा का, और सुशीला प्रतीक है बुद्धि का, और चावल प्रतीक है हमारे कर्मों की पोटली का।
तो जैसे कहा कि वो संतुष्ट था, ब्राह्मण क्या था, संतुष्ट था, कौन से आधार पे, बाबा हमें कहते हैं दुनिया में जो कुछ तुम मेहनत कर रहे हो, बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति या वस्तु वैभव व्यक्ति आदि के लिए जो सारी मेहनत चल रही है वो मिल भी जाए, तो वो मिल जाने के बाद क्या चाहिए था तुम्हें, सुख शांति प्रेम खुशी आनंद शक्ति ज्ञान, यही चाहिए था। और ये तो तुम्हारा स्वधर्म है, ये तो तुम्हारे मूल संस्कार है, और इस मूल संस्कार की जितनी ज़्यादा हमारे अंदर में जागृति होगी, बाहर की सिचुएशन भले अभाव वाली क्यों नहीं होगी, हम अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं। सिर्फ इन 7 क्वालिटीज़ में ज्ञान भी आया ना, तो ज्ञान का जितना ज़्यादा चिंतन करते हैं, 7 days कोर्स में सब पढ़ाया गया ना, सिर्फ आत्मा का थोड़े सिखाया, आत्मा का पढ़ाया, परमात्मा का पढ़ाया, सृष्टि चक्र पढ़ाया, कर्म फिलासफी पढ़ाया, भगवान अवतरित कैसे होते वो पढ़ाया, सारे तो रहस्य खोल दिए गए ना। मेरे जीवन में अगर कोई घटना घट रही है क्यों, इसके उत्तर तो सब दे दिए ना हमको। और जितना ज़्यादा ज्ञान का चिंतन मैं करूँगी दुनिया में, मेरे जीवन में आई हुई हर परिस्थिति में, तो उस ज्ञान के आधार से बाह्यता में लोगों को लगेगा कितनी अभावों की ज़िंदगी है, लेकिन मैं भीतर से उतनी ही अमीर हूँ, क्योंकि संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीवन में अगर ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है। सब कुछ राज मेरे सामने खुल गए हैं, और इसी आधार से मैं तीव्र पुरुषार्थ में लगी हुई हूँ। तो ये कहानी मेरी है, मैं सुदामा वो आत्मा ब्राह्मण हूँ जो तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़ा है। और वैसे भी सुदामा का अर्थ क्या होता है, शब्द के आधार से सु प्लस दामा, और संस्कृत में दाम का अर्थ होता है रस्सिया। वो आत्मा जो मायावी बंधनों से जकड़ गई है, लेकिन आत्मा फिर भी सु रहती है, कहा ना सु माना अच्छी रहती, माना तेज रहती है, प्रकाशवान रहती है। कैसे, आज भले हम खाली हो गए हैं लेकिन फिर भी बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र स्वरूप हो, बच्चे तुम शांत स्वरूप हो, क्यों, क्योंकि मेरा मूल स्वभाव है ना, वो पानी का मूल स्वभाव शीतलता है, उसको गैस के ऊपर रखा, उसने टेम्परेचर गर्मी को पकड़ लिया, गर्म भले हो गया लेकिन गर्म होते हुए भी उसका स्वभाव तो शीतल ही है ना, उसका स्वभाव थोड़े बदला है, थोड़ी देर के बाद उसकी गर्मी निकल जाने दो, वो वैसा का वैसा शीतल। तो आज भले हम अपने आप को अशांत महसूस करते हो, टेंशन में महसूस करते हो, चिंता में महसूस करते हो, लेकिन जैसे ही मैं सोल कॉन्शियस में आती हूँ तो मुझे अपना प्रकाशवान तेजस्वी ओजस्वी स्वरूप दिखता है, नहीं दिखता है। जैसे कपड़ा सफ़ेद है तो सुबह मैंने साफ साड़ी पहनी थी, शाम होते होते बहुत दाग लग गए, तो अभी दाग दिख रहे हैं, पर सुबह वाली साड़ी का भी मुझे अंदाज़ा है या नहीं है कि जब धुली हुई थी तो कितनी अच्छी थी, देख सकती हो या नहीं देख सकती हो, देख सकती हो ना। तो भले मेरे ऊपर अशांति के जो कहा ना कि जन्म मरण के चक्र में आते पूर्व जन्म के संस्कार, परिवार से मिले संस्कार, संघ से मिले संस्कार, उसके ऊपर चढ़ते गए मूल संस्कारों के ऊपर, तो ये हो गई रस्सियाँ।
लेकिन अगर मैं सोल कॉन्शियस में हूँ, तीव्र पुरुषार्थी हूँ, तो ये रस्सियों में बंधे होने के बावजूद भी मैं अपना भीतर का वो पवित्र स्वरूप देख सकती हूँ, देख सकती हूँ ना, तो उसका नाम सुदामा, कि जो भीतर के प्रकाश को माया के बंधनों में बंधा है, लेकिन चूंकि ब्राह्मण बना है, अर्थात सोल कॉन्शियस वाली जीवन जीना आरंभ किया है, जीवन के सत्यों को समझना आरंभ कर दिया है, तो अपने सत्य स्वरूप को जो प्रकाशित है, जो ओजस्वी है, जो तेजस्वी है, जो दिव्य है, वो उसको देख पाता है सुदामा। और सुशीला कौन है? सुशीला है उसकी पत्नी बुद्धि। आत्मा को कहा जाता है कि बुद्धि आत्मा की पत्नी है, और इनका बच्चा मन है, इनका बच्चा मन है। तो सुशीला अर्थात पत्नी अर्थात बुद्धि, और बच्चा क्या कहा था ना, दरिद्रता रूपी बच्चा, यही कहा था ना उसने। तो कोई ऐसे पेट से जन्मे हुए बच्चों की बात नहीं है, अवगुणों की बात है। दरिद्रता तो कोई सद्गुण थोड़ी है, सूतक लगा मना उसको सद्गुण थोड़ी कहेंगे। तो जीवन में कुछ अवगुण है और उससे उबरना चाहती है वो। सुशीला को संकल्प आता है ऐसे कैसे होगा जीवन, और तब कहते हैं जब मन में लगन होती है कि किसी तरह हम अपनी दरिद्रता से बाहर आए, तो जैसे कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। और बाबा क्या कहते हैं, जरूरत पड़ने पर मैं किसी भी ब्राह्मण में प्रवेश कर लेता हूँ और सामने वाले का कल्याण कर देता हूँ। तो उसके द्वार पर जो ब्राह्मण आया था ना, वो कौन ब्राह्मण था? हमारे में से कोई ब्राह्मण गया होगा और बाबा ने उसमें प्रवेश करके काम किया होगा। ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, हम कैसे आए, बाबा के कैसे बने, ऐसे ही बने ना। तो हमारी बुद्धि में एक्चुअली उसकी किसी तरह हम ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के संपर्क में आते हैं और हमारी बुद्धि उस ज्ञान को एक्सेप्ट करती है, और उस आधार से हम कहते हैं कि आत्मा तो पहले से ही भरपूर है, लेकिन पिता परमात्मा से लंबे काल से दूर रहने के कारण इसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई है। लेकिन एक बार फिर से पिता परमात्मा जिसके साथ हमारे अविनाशी संबंध है, हाँ, उसमें हमने सखा का भी रूप कहा है, अनेक संबंधों में तो हमारा शाश्वत सखा है वो, तो क्यों नहीं हम उसके दर्शन। सुदामा क्या कहता है, मैं मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा पर मैं मांगूंगा नहीं। तो बुद्धि कहती मत मांगो, दर्शन तो करो। तो क्यों बुद्धि ऐसे कहती, क्योंकि बुद्धि भी कैसी है, नाम देखो क्या है, सुशीला, अर्थात बुद्धि सद्बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है। तो दिव्य बुद्धि को एक्सेप्ट हो जाता है, ज्ञान तो सुना हुआ है ना, बीच बीच में वो बुद्धि काम कर जाती है, फिर बीच बीच में हमारा खेल चल रहा है ना, कभी सोल कॉन्शियस कभी बॉडी कॉन्शियस, कभी सोल कॉन्शियस कभी बॉडी कॉन्शियस। तो बॉडी कॉन्शियस में आकर के मांगने की इच्छा पैदा हो गई है, लेकिन आत्मा की आवाज आई, मांगना नहीं है, तो कहते कोई बात नहीं, दर्शन तो कर सकते हैं। और दर्शन के लिए प्रेरित करके और खाली हाथ नहीं जाते हैं भगवान के पास, कुछ लेकर जाओ। तो बाबा क्या कहता है हमको, तुम दोगे क्या मुझे, क्या है देने के लिए बताओ, कैसा तन है, अनहेल्दी, और मन कैसा है, डर्टी, धन कैसा है, काला, संबंध कैसे है, टूटे हुए, प्रकृति कैसी है, प्रदूषित, क्या है देने के लिए।
तो यही तो मांगता है वो हमसे, और क्या मांग रहा है, यही तो मांग रहा है ना हमसे। तो इसीलिए कहा कि वो लेके भी क्या गया, मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल की पोटली। इस प्रकृति शरीर को ले लेकर हमने लंबी यात्रा की, लंबी यात्रा की ना, तो 63 जन्मों से कर्मों की पोटली तैयार हुई है, नहीं हुई है, बॉडी कॉन्शियस के लेवल पे किया है ना सब कुछ। तो पास्ट, ये तीन मुट्ठी की बात है। तीन मुट्ठी क्या है? पास्ट में किए हुए कर्म, प्रेजेंट के कर्म और फ्यूचर। क्योंकि कहते हैं ना, जो पास्ट में किया है उसके अनुसार प्रेजेंट में आता है, और जो प्रेजेंट में करेंगे उसके अनुसार आप फ्यूचर समझ सकते हो। तो बाबा क्या कहता है, बाबा क्या कहता है, कर्मों की फिलॉसफी जब हम नए जिज्ञासुओं को कराते हैं तो क्या कहते हैं कि भगवान आया है, या तो प्यार से उसकी बात मान लो, या तो फिर बोलते हैं बहने क्या बोलते हैं बोलो, या तो प्यार से या तो मार से। और मार माना खींचना, जो बाबा ने कहा ना, बाबा खींच तो सकता है पर खींचने से वो रिटर्न नहीं मिलेगा। जब आप खुद स्व इच्छा से देंगे उसका रिटर्न, वही बोलते हम कर्मा फिलॉसफी में, यही समझाते हैं कि प्यार प्यार से भगवान ने जो शिक्षा दी है, अपनी कमी कमजोरियों को रियलाइज करो, और रियलाइज करके अर्पण कर दो खुशी खुशी से। और अगर अर्पण नहीं करेंगे तो जीवन में परिस्थितियां आती है और फिर परिस्थितियां सिखाती है, परिस्थितियां अपने आप मजबूर करती है अर्पण करने के लिए, लेकिन तब तक काफ़ी समय निकल चुका होता है। और परिस्थितियों के कहने पर मजबूर होकर किया उसका रिटर्न इतना नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर अगर आज्ञाकारी बच्चे बन जाते हैं उसके, तो उसका रिटर्न बहुत मिल जाता है। तो ये लगता है ना, भगवान सद्गुणों का सागर, और वही सद्गुण मेरे अंदर ओरिजिनल संस्कार के रूप में, और ये अवगुण, थोड़ी शर्म तो आती है ना, हिचक होती है ना कि कैसे बताऊँ मेरी ये कमी है। इसलिए कई बार लोग कहते क्या अंदर चेक करना है, एक गहराई में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो कहा कि उसमें तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे ना, तो रुक्मणी ने रोक दिया। एक्चुअली वो क्या था तीसरी मुट्ठी को रोकना, कि पास्ट में किए हुए विकर्म और अभी तक के जीवन में भी, वर्तमान जीवन में भी जो जो विकर्म हो गए हैं, अगर हम सहृदयता से, स्व इच्छा से, दृढ़ संकल्प के साथ, रियलाइजेशन के साथ भगवान के सामने ऐसे ओपन करके रख देते हैं और भगवान से योग लगाते हैं, तो भगवान की किरणें उसको क्या कर लेती है, ख़त्म कर लेती है। कहते हैं ना, नीलकंठ नाम कैसे पड़ा, कैसे पड़ा नीलकंठ नाम, विष का पान कर लिया। तो ये विष ही तो है, वो उसके सामने सिर्फ आप रख दो, वो आपको उससे क्या कर देगा, क्लीन एंड क्लियर कर देगा। कई बार लोग कहते हैं क्या करना है ऊपर जाके, क्या करना क्या होता है ऊपर परम धाम में जाके, ऐसे ही चुप बैठना होता है क्या, या बातें करनी होती, क्या करना होता है? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। बाबा कहते नहीं, जितनी टेक्नोलॉजी साइंस के उपकरण निकले हैं उतना ज्ञान को समझाना इजी हो गया है, क्योंकि एक एक उदाहरण हम सब देख पा रहे हैं ना। तो आजकल के ज़माने में
लेजर बीम के भी, लेजर बीम की मदद से भी ऑपरेशन होते हैं, कि इतनी पावरफुल लेजर बीम फोकस कराई जाती है शरीर के किसी हिस्से में कि जहाँ पर पथरी है या कुछ है या कचरा फंसा हुआ है, तो वो लेजर बीम जो फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड उसमें जाती है, वो जो जो भी ब्लॉक है या पत्थर है उसको मिलियंस टुकड़े करके पास कर देती है। न सिर्फ उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है, लेकिन नीचे के रास्ते से उसको निकाल के बाहर भी कर देती है। और ऐसे लेज़र बीम वाले जो ऑपरेशन होते हैं ना, लंबे लंबे नहीं होते हैं, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन वाले होते हैं। हमारे दीदी भी आँखों का ऑपरेशन जब करा के आए तो कहा 10 मिनट भी नहीं लगे ऑपरेशन होने में, 10 मिनट भी नहीं, 8 मिनट का होता है बोले ऑपरेशन। और जब ऑपरेशन होता है ना, पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि ऑपरेशन हो गया, पेशेंट को पता तक नहीं चलता है, लेकिन हाँ पेशेंट को अपने आप को डॉक्टर को समर्पित करना पड़ता है, करना पड़ता है, और फिर डॉक्टर जो कहेगा वैसे करना। तो डॉक्टर क्या कहता है जिनका ऐसा ऑपरेशन, बस अब आँखों को सिर्फ एकाग्र रखो, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आँखों को एकाग्र रख, क्योंकि एकाग्र होगा तभी तो बीम काम करेगी। आप खूब सारे पलके झपकाएंगे करेंगे तो बीम की लाइट इधर से उधर हो जाएगी। तो वो जो बीम जाती है फोकस्ड, वो जो भी कचरा है उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। पेशेंट बोलता है मुझे तो पता ही नहीं चला। अगर पता ही नहीं चला तो पेशेंट कैसे माने कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? अगर ऑपरेशन हो जाने के बाद पेशेंट को कुछ दिनों में महसूस होने लगे कि सचमुच मेरा धुंधलापन खत्म हो गया है, मेरे आँखों की रोशनी बढ़ गई है, वो प्रमाण होता है ऑपरेशन क्या हो गया, सक्सेसफुल। ठीक ऐसे ही कहा ना कि जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तो सुदामा भी तो लगन से आया है ना। तो जितने लगन के साथ मैं परमधाम में जाऊंगी उतनी, और लगन के साथ का मतलब है जो बाबा की फ्रिक्वेंसी, उस फ्रिक्वेंसी पर मुझे अपने आप को सेट करना होगा। तो पूरी लगन के साथ बाह्य मुक्ता से हटकर अंतर्मुखी हो जाऊं, बाह्य जगत के हर चिंतन से अपने आप को मुक्त करके अंतर जगत की अंतरात्मा के चिंतन से अपने आप को भरपूर करके वो वाइब्रेशन फैलाऊं, और उस वाइब्रेशन के साथ ऊपर उड़ूं। सुंदर भाव के साथ आया है ना, सुदामा चल पड़ा है ना द्वारकाधीश से मिलने, तो हम सुंदर भावों के साथ सोल कॉन्शियस बनकर, वो पोटली लेके आया है अर्थात रियलाइजेशन के साथ, पहले दिया ना आपको टाइम 10 से 10:30, 5 से 6 बैठो एकांत में और रियलाइज करो क्या क्या है जो मेरे आत्मा के सद्गुणों के विपरीत मेरे पास है। जो विपरीत है वही मिट्टी के सूखे चावल हो जाएंगे, मिट्टी से सुने भी, और विपरीत माने बॉडी कॉन्शियस वाले। ऐसी कौन कौन सी बातें अभी भी मेरे जीवन में बॉडी कॉन्शियस वाली है, उसको मैं रियलाइज करूं और वो पोटली उसको समर्पित करूं कि जी बाबा अभी भी ये कमियां मेरे में है का ना। स्वइच्छा से देंगे तो उतना रिटर्न मिलेगा और नहीं तो उतना नहीं, तो हमारे ऊपर है कि मैं उन अवगुणों को धारण करते 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 जीवन को
धक्का मार चलाऊं या सच्चाई बाबा के सामने रखकर समर्पित होकर अपना ऑपरेशन करा लूं। तो क्या करना है ऊपर? तो कहा कि कृष्ण जितना लगन से गया है पास में, उतना लगन से वो भी उठ के आया है। तो जैसे ही हम इतनी गहरी सोल कॉन्शियस के साथ और बहुत हृदय के भावों के साथ प्रेम की, इसीलिए बाबा कहते हैं ना, मैं भावना का भूखा हूँ। सुशीला ने दिए हैं, बुद्धि ने दिए हैं। बुद्धि बेशक चाहिए देखने के लिए, लेकिन हृदय चाहिए प्यार करने के लिए। तो जाए हम ऊपर उस स्थिति में, तो हम सोल कॉन्शियस बनकर जाएंगे। यूं हम ऊपर उड़े और चढ़े और बाबा की किरणें मेरे पास दौड़ती हुई आएगी। ये है कृष्ण दौड़ता हुआ आया। परमात्मा की किरणें मैं महसूस करूंगी कि कैसे दौड़ती हुई कृष्ण ये किरणें मेरे पास आ रही है। मैं स्वरूप का सिर्फ दर्शन कर रही हूँ और दर्शन करते हुए मंत्र मुक्त हो गई हूँ, प्रेम से भरपूर। कि जिस मंत्र मुक्त अवस्था में मैं बिल्कुल भी क्या हो गई हूँ, स्वीट साइलेंस में खो चुकी हूँ। और उस स्वीट साइलेंस में, उस एकाग्रता में परमात्मा के किरणों की फोकस्ड बीम मुझ आत्मा पर पड़ेगी और आत्मा के ऊपर जो ये पूर्व जन्म के पहली लेयर तो क्या है, आत्मा के खुद के मूल संस्कार, लेकिन उसके ऊपर क्या चढ़े हैं, पूर्व जन्म के संस्कार, परिवार से मिले संस्कार, संघ से मिले संस्कार, और ये जो जो भी इससे अपोजिट है वो इस विकिरणों से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो दो मुट्ठी सिर्फ खाया, मेरे पास्ट के भी खा के खत्म करेगा, मतलब साफ कर देगा, और इस वर्तमान जन्म में भी अभी तक भी जो हो रहे हैं उसको भी जब हम रियलाइज करेंगे उसको भी खत्म कर देगा। लेकिन जो कर्म मैंने सोल कॉन्शियस होकर किए हैं, सत्कर्म, उसके लिए कह दिया रुक्मणी ने, रुको, सब कुछ आप ही खा लोगे क्या? अर्थात ये अभी इसका भाग्य इसको मिलेगा, ये इसको भी भाग्य के रूप में मिलेगा। और इसलिए कहा कि जाने में समय लगा था, आने में कम। तो जाने में अर्थात 100 साल दिए हैं संगम के, लेकिन एक बार परमधाम जाके जब सतयुग आना होगा, कितनी देर में आएंगे, कितने वर्षों में आएंगे, हाँ बोलो, कितने में आएंगे? क्या समझते हो अपने आप को, 84 जन्म वाली आत्मा या 83 जन्म वाली आत्मा या 82 वाली? तो जो 84 जन्म वाली आत्मा जाएगी, टच करेगी और आएगी, तो आते ही क्या देख रही है, स्वर्ग का सीन देख रही है। तो समझ में आया सुदामा के चावल क्या है? तो क्या करना है इस भट्टी में, हाँ यही करना था। इसके लिए हमने आपको एकांत का समय दिया था कि एकांत में बैठकर ये रियलाइज करो, अभी भी बॉडी कॉन्शियस वाले अवगुण मेरे भीतर कौन कौन से हैं, कि जो मैं प्रभु पिता के सामने ये खोल के रख दूँ। और जैसे मैं खोल के रखूँगा तो मैं हल्का तो हो ही गया, क्योंकि मैं सत्य के लेवल पे आ गया ना, जो हूँ जैसा हूँ बता दिया, छुपा नहीं रहा हूँ। तो मेरी फ्रिक्वेंसी आत्मा की सेट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? वो नहीं बताते हैं तो आत्मा की फ्रिक्वेंसी सेट ही नहीं होती है, और आत्मा की फ्रिक्वेंसी सेट नहीं होती है तो ऊपर उड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ऊपर उड़ने के लिए, हवाई जहाज को ऊपर उड़ने के लिए पेट्रोल बड़ा रिफाइन चाहिए। तो यहाँ पर भी उड़ने के लिए डिवाइन और रिफाइन बुद्धि चाहिए, कि जिस बुद्धि ने स्वीकार कर लिया ये कचड़ा है, बता दिया बाप को, है मेरे अंदर भी ये,
सत्य बताकर हल्के हो गए और हल्के होकर ऊपर उड़े और जैसे ही उसके द्वार पर पहुँचे यूँ उसकी परमधाम, मैं सिर्फ दृश्य को देख रही हूँ, परमधाम में पिता मेरे सामने हैं, मैं उनके रूप का दर्शन कर रही हूँ और वो किरणें मेरे ऊपर फोकस्ड रूप में पड़ रही हैं, मुझे पता भी नहीं चलता कि हो क्या रहा है। लोग कई बार बोलते हैं बहन जी ऐसे तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि मेरा कोई अवगुण नष्ट हुआ, कोई जला, नहीं पता चलता है। आपने तो सिर्फ प्रेम में खो जाना है, इतना खो जाना है कि आप एक स्वीट साइलेंस की स्थिति में हो जाओ। और कितनी देर में? 8 मिनट में। इसीलिए कहते हैं ना घंटों घंटों का योग वो रिजल्ट नहीं देता जो फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड योग चंद मिनटों का रिजल्ट देता है। लेकिन वो चंद मिनटों का योग पावरफुल तभी बन पाता है जब बुद्धि को डिवाइन रिफाइन कर लेते हैं। और वो डिवाइन रिफाइन हो अंदर झांक के, जो हूँ जैसा हूँ बाबा मैं ऐसा हूँ, तो हल्के हो जाते और योग बड़ा वंडरफुल और वो चंद मिनटों में आपके जीवन में परिवर्तन। उस समय तो स्वीट साइलेंस में खो गए हैं तो वो अपनी एक शांति की अनुभूति देगा। प्रैक्टिकल व्यवहार में कैसे पता पड़ेगा कि वो 8 मिनट का 10 मिनट का जो अनुभव था रियली मेरे जीवन में कुछ मिरेकल लाया है? वो तब पता चलेगा जब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल जीवन में पहले जो थोड़ी थोड़ी बातों में मुझे इरिटेशन होती थी अब वो होना कम हो गई है। पहले जो सिर्फ चाहिए चाहिए की रट लगती थी दीजिए दीजिए वाले भाव आ गया है। ये जैसे जैसे परिवर्तन आएंगे, लेना है नहीं, देना है देना है। बातों को पकड़ के जो बैठी हूँ रख के सालों से, ये तो बात मैं नहीं बोल सकती हूँ, फलाने ने मेरे साथ किया ही ऐसा है। लेकिन अब जब पावरफुल योग लगेगा, छोड़ो ना ये क्या पकड़ के बैठ, इस पकड़ के बैठने से ही मैं सच्ची सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बना पाती हूँ, बाबा जो कहते हैं वैसा नहीं बन पाती हूँ। तो जब ये छूटने का छोड़ने का ख्याल मन में आ जाए, लेने के बजाय देने का भाव आने लग जाए, ऐसे ही काफ़ी परिवर्तन। कि गुस्सा करने वाली परिस्थितियाँ हैं फिर भी अब मैं अपने आप को शांत रखने में सफल हूँ, फलाने ने मेरे साथ व्यवहार ऐसा किया है, सचमुच नफरत आ जाए परंतु अब मैं नफरत नहीं करती हूँ, फिर भी रहम आता है, कंपैशन करुणा आती है कि ड्रामा की कोई सीन उसे निमित्त बना के करवा रही, मेरा कोई कार्मिक अकाउंट रहा। जब ऐसे भाव जीवन में आने लगे तब समझना मेरा मेडिटेशन अच्छा हो रहा है, कृष्ण और सुदामा का गले का मिलन हो रहा है और दुनिया में इस मित्रता की मिसाल दी जाती है। तो वो मिसाल हमारी है, हम ऐसी मिसाल एस्टेब्लिश करें, स्थापित करें, उसके लिए ये भट्टी का अवसर मिला है। तो अवश्य हर एक ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य पुरुषार्थ किया होगा और अब भी आपके पास समय है, कल का अमृत वेला, जो कुछ भी है वापस नहीं लेके जाना, पोटली बांध के दे देना, छोड़ के जाना कुछ और कुछ अच्छे संकल्प करके लेके जाना है, तभी भट्टी सार्थक होगी। पहले दिन कहा था ना, जिस दिन आए हो उस समय क्या स्थिति है और जिस दिन जा रहे हो उस दिन क्या स्थिति है, इसमें अगर फर्क दिखाई देने लगे तो समझना भट्टी में आना सार्थक हो गया। और वो कब होगा? जब किचड़ा यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। तो चलिए
अभी इतना ही पावरफुल योग करेंगे। कमेंट ही नहीं देंगे, समझ में आ गया? फोकस्ड लेजर बीम की आवश्यकता है, स्वरूप दर्शन में खो जाओ। तो विमान भी जब टेक ऑफ करता है ना, टेक ऑफ से पहले खूब लंबा चलता है, स्पीड पकड़ता है, तो पहले यहाँ आत्मचिंतन कर लो। अच्छा, यहाँ इतना आत्मचिंतन से स्पीड पकड़ लो कि ऊपर जाने में फिर अड़चन नहीं आए। और एक बार यहाँ अच्छा चिंतन हो गया, रफ्तार पकड़ ली, उधर इजीली पहुँचेंगे और वो 8-10 मिनट का अनुभव बहुत सुंदर हो जाएगा। ठीक है? ओम शांति।